हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजनाओं को समाहित किया गया है, जिसके तहत सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण सहित नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के ढांचे में आ रहे बदलाव, बच्चों के साथ शिक्षकों का व्यवहार, यौन उत्पीड़न, पॉस्को अधिनियम व कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमीरपुर जिले में शिक्षा विभाग शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे नई शिक्षा नीति व शिक्षा ढांचे में हो रहे नित नए बदलावों के प्रति जागरूक रहें। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में प्राइमरी के 128 और अपर प्राइमरी के भी 128 ब्लॉक हैं, जिनके माध्यम से स्कूलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, बच्चों को वर्दियां देने व अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाता है। हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मेन फोकस है इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में, वो फोकस है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप किया, उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में हो, उसके ऊपर हम यहाँ पर टीचर्स को उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके तहत टीचर्स को बताया जा रहा है कि किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें पता है कि एक नया प्रोविज़न उसमें अब शामिल हो गया है, जिसमें 5+3+3+4 का सिस्टम जो है एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन जो है उसको चेंज कर दिया है। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम टीचर्स का क्या रोल है, कैसे हमने अपने अंदर कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करनी है, ताकि हम जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन लर्निंग आउटकम्स तक अपने बच्चों को पहुंचा पाएँ, इसके बारे में हम यहाँ पर टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेरियस सब्जेक्ट्स के लर्निंग आउटकम्स, किस तरह से उन लर्निंग आउटकम्स के लिए टीचर्स के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की जानी है, उस कैपेसिटी बिल्डिंग में टीचर्स अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करेंगे और कैसे हम स्टूडेंट्स को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लेवल तक ले जाएंगे। वहीं अध्यापकों की माने तो समग्र शिक्षा अभियान नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा में हो रहे बदलावों को समझने में तथा उस पर कार्य करने में अध्यापकों की बेहद मदद कर रहा है। इससे न केवल अध्यापकों को प्रशिक्षण मिलता है, बल्कि छात्रों की क्षमता में भी सुधार होता है। यहाँ पे हमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं, जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और लाइफ स्किल्स, फिर RTE और अन्य कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो शिक्षा के सत्र को अच्छा करने के लिए लाभदायक हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है और काफ़ी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ट्रेनिंग जो है वो लगातार होती आई हैं, पहले निष्ठा ट्रेनिंग, दीक्षा ऐप ऑनलाइन भी होती आ रही है, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो वर्चुअल में हम एक दूसरे को जो विचार होते हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि हम अपनी बात को रख पाते हैं आगे विभाग के सामने कि क्या कमियां हैं यहाँ पे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में या स्कूल लेवल पे, उनको हम आगे रख पाते हैं। शिक्षा अभियान है, इसमें हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 128 ब्लॉक हैं प्राइमरी के, और इसी तरह 128 ब्लॉक जो हैं अपर प्राइमरी के हैं। इसमें जितना भी हमारी स्कूलों में जैसे टीचर ट्रेनिंग्स हैं, दूसरी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी स्कूल में कमी है, उसके लिए जो फंड प्रोवाइड होता है वो ब्लॉक के माध्यम से ही दिया जाता है। इसके अलावा जैसे हमारी बच्चों को फ्री किताबें मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है, वो सारी व्यवस्था जो है ब्लॉक लेवल पर BRC को ही करनी होती है। बाकी दूसरी कई गतिविधियां हैं, जैसे किसी प्रकार की किसी भी विभाग को कोई डाक की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा जो है ब्लॉक के माध्यम से ही, टीचरों का डाटा है, चाहे बच्चों की एनरोलमेंट है, सारी व्यवस्था ब्लॉक के माध्यम से ही की जाती है, और ये सारी चीज़ें जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आती हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसमें टीचर्स की हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें किस तरह से बच्चों में अभी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग हम कर पाएँ, लर्निंग आउटकम्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस अब रह रहा है। निष्ठा के कार्यक्रम के बाद अब ये स्टार्स प्रोजेक्ट में जेनरिक इश्यूज़ के ऊपर हम कार्यशालाएं चला रहे हैं, जिसमें टीचर्स के बच्चों को किस तरह से उनके लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से जो हमारे
डिफरेंट एक्ट्स हैं, नए प्रोविजंस हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है उसके बारे में है, और हमारे जो इसका नेशनल लेवल पर जो जिस तरह से नेशनल अचीवमेंट सर्वे हमारे होते हैं उसमें किस तरह से अपने प्रदेश को, अपने डिस्ट्रिक्ट को ऊपर ला सकें, क्योंकि अभी बहुत सारे कमियां रह जाती है। हर साल इसके जो हमारे टेस्ट होते हैं, सर्वेज होते हैं, उसमें कमियां देखी गई हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा के ढांचे को नई शिक्षा नीति के तहत स्तरोन्नत करने में अहम भूमिका निभा रहा है, जो विद्यार्थियों के विकास और शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। डीडी न्यूज़ के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।